नमस्कार एमबी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। खबरों की शुरुआत करते हैं अभी तक की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शाजापुर में फसल बीमा दावा राशि के प्रमाण पत्र किए वितरित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फंदा विकासखंड के ग्राम परवलिया में नवनिर्मित पंचायत भवन का किया लोकार्पण। और उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में ऊर्जा विकास पर्व पर आयोजित समारोह में बिजली बिल माफी योजना के प्रमाण पत्र किए वितरित। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शाजापुर जिले के काला पीपल में फसल बीमा राशि वितरण समारोह में कहा कि मैं किसानों का दर्द समझता हूं। किसान अलग अलग मौसम की मार झेलते हुए खेतों में मेहनत कर पसीना बहाता है। उन्होंने कहा कि मैं किसानों को उनकी मेहनत और पसीने की पूरी कीमत दूंगा, किसानों की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समारोह में राजगढ़ और शाजापुर जिले के 1,11,000 किसानों के बैंक खातों में 882,74,00,000 रुपए फसल बीमा राशि ई पेमेंट से ट्रांसफर किए। उन्होंने किसानों को बीमा दावा राशि के प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इसके अलावा उन्होंने शाजापुर जिले के 117 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 22 निर्माण कार्यों का ई शिलान्यास और ई लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बैरसिया विधानसभा क्षेत्र के परवलिया में किसान चौपाल का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर किसानों से बातचीत की। उन्होंने जैविक खेती करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का विकास हर क्षेत्र में हुआ है। भोपाल में स्मार्ट सिटी पर काम चल रहा है। प्रदेश को 3 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पिछले 11 जून को की गई घोषणा के अनुसार प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में मध्य प्रदेश बोर्ड की 12वीं परीक्षा पहली बार में 75% या उससे अधिक अंक के साथ उत्तीर्ण करने वाले शेष 44,757 विद्यार्थियों को 20 जुलाई को लैपटॉप राशि का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री स्वयं जबलपुर संभागीय मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में जबलपुर संभाग के पात्र विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र के साथ लैपटॉप खरीदने की राशि का वितरण करेंगे। उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि राज्य सरकार ने गरीबों को उनका हक दिया है। आज पूरे प्रदेश में गरीबों के सिर से बिजली बिल का बोझ दूर हुआ है। मुख्यमंत्री संबल योजना से उन्हें बिजली बिल माफी प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। मंत्री शुक्ल आज रीवा में मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत बिजली बिल माफी और सरल बिजली योजना के वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उद्योग मंत्री ने कहा कि 20,000 से अधिक गरीब परिवारों को इस योजना से लाभान्वित करने के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ईएमएस टीवी। नमस्कार।